तो इस बार जब आप 5 छक्के मार के लौट कर आए हो, आपको कैसा लग रहा है? काफी अच्छी फीलिंग है। चाय पियो। चाय। और एक और है। कैसी पर्सनालिटी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। आप देखो ना यार, केकेआर का चीता हमारे सामने देखो नेट में प्रैक्टिस कर रहा है। अलग ही लेवल है भाई की बैटिंग का, भाई के कॉन्फिडेंस का। ये सारे लोग नीचे खड़े होकर लगभग 2 घंटे से वेट कर रहे थे भाई का। सो हेलो गाइज, वेलकम टू शैला व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज हमें अलीगढ़ में, और अलीगढ़ अब 2 चीज़ों से फेमस है। एक तो AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और दूसरा रिंकू सिंह से। सो आज हमारी मुलाकात होने वाली है रिंकू भाई से। तो अभी हम जोधपुर में हैं और ये हमारी गाड़ी है, अभी हम इससे जाएंगे उनके पास। ये हैं फैसल साहब और ये हैं हमारे समीर भाई। सो अभी निकलते हैं हम। सीट बेल्ट अभी लगा लिया हमने, क्योंकि भाई साहब अब अलीगढ़ में अभी चालान कटने लगे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी होने लगा है सब। और अलीगढ़ पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया भाई। समथिंग 1 साल बाद मैं इधर आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है अलीगढ़ का मैरिस रोड, और सामने आपके एक 5-स्टार होटल भी बन चुका है अभी। इसका नाम है लेमन ट्री। तो काफ़ी अच्छा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया अपना अलीगढ़। क्या कहते हो अलीगढ़ के बारे में? आगे आने वाला है वो ग्राउंड जहाँ पर हम और रिंकू भाई पहले प्रैक्टिस करते थे। हमने काफ़ी सारे मैचेस भी खेले वहाँ पर। सो ये है रामगढ़ रोड, और ये आ गया स्टेडियम, ये सामने आपके अहिल्या भाई स्टेडियम। ये है उसका मेन गेट, ये देखो, ये उसका मेन गेट है। तो यहाँ पर ही वो ज़्यादातर मैचेस वगैरह खेलते थे और प्रैक्टिस भी यहीं करते थे। लेकिन अभी एक और ग्राउंड बन चुका है महुआ खेड़ा, तो वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। इसी रूट पर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमको ये सागवान सिटी दिखाई देती है, जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी है अलीगढ़ की। सो हमारे सामने लगा हुआ है रिंकू भाई का ये बड़ा सा बैनर, यहाँ लगा रखा है। तो इधर है वो रोड जिधर हमें जाना है। तो बहुत ही रोड तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं दूसरे रास्ते से आए थे, शायद इस वजह से ख़राब मिला हमें। इन भाई साहब से बोला था मैंने कि अलग रूट है, मैं आ रखा हूँ यहाँ पर पहले, तो इन्होंने हमारी तो सुनी नहीं। खैर अब चलते हैं। अपनी चला रहे थे। अरे भाई मैं गया हूँ बचपन में, मैं रिंकू के साथ वहाँ गया हूँ, मैं यहीं से चलो आज तुम। आज चलो तुम यहाँ से, रहने दो तुम, रहने दो। तो अभी हम इधर चलते हैं। यहाँ पर एक कैंटीन थी जब हम मैच के बीच में कुछ खाने पीने आते थे, अभी शायद वो बंद हो गई। पहले एक कैंटीन थी, अभी भी है शायद अंदर की साइड में। तो ये है ओजोन सिटी, और ये है थाना महुआ खेड़ा। मतलब ये पूरा एरिया जो है ना महुआ खेड़ा कहलाता है, तो उस ग्राउंड का नाम भी शायद महुआ खेड़ा ही है। तो हम तो शुरू से महुआ खेड़ा ही जानते हैं। ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अलीगढ़ में है ही नहीं। ये महुआ खेड़ा का मेन ग्राउंड नहीं है, ये दूसरा ग्राउंड शायद अभी बना है, और जो मेन ग्राउंड है वो आगे की तरफ है। सो अभी हमारे सामने आ चुका है मेन ग्राउंड जो है वो महुआ खेड़ा का, जहाँ पर रिंकू भाई प्रैक्टिस वगैरह करने आते हैं। ये जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है महुआ खेड़ा का ग्राउंड, मेन ग्राउंड। और ये सामने रिंकू सिंह का पोस्टर लगा हुआ है। सो ये है महुआ खेड़ा का मेन ग्राउंड, जहाँ पर हमारे मैच और ट्रायल वगैरह होते थे। तो हमारे सामने वो खड़े हुए हैं रिंकू भाई, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पेड़ के पीछे वो। तो अभी हम अपनी गाड़ी लेके नेट के पीछे चलते हैं। तो ये है KKR का वो बैट्समैन भाई साहब, जिसने सबको धूल चटा दी और सबकी आंखों में, सबके दिल में अपना नाम बना लिया, और वो है हमारी अलीगढ़ की शान, रिंकू भाई। सो ये है हमारे वसीम भाई, जो कि ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, गाड़ी को लगाते हैं साइड में। तो
गाइस हम ऊपर आ चुके हैं ग्राउंड के, ये है ऊपर का व्यू कुछ ग्राउंड का, तो अभी अंदर चलते हैं रिंकू भाई के पास। जो फोटो ले निकल जाए। क्या भैया सेलिब्रिटी है ने, ने, ने। सो फाइनली हम मिल चुके हैं रिंकू भाई से, अलीगढ़ की शान मेरी जान रिंकू भाई। सो रिंकू भाई कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, बात मिला भाई आपसे, बहुत टाइम हो गया था, काफी टाइम हो गया भाई। वैसे बस सिर्फ मैसेज पे बात होती थी भाई, बहुत मैसेज पे बात होती थी, लगभग हम 3 साल बाद मिल रहे हैं यार। एक वक्त हम साथ में मैच भी खेले काफी सारे, और भाई सीनियर है मेरे, सबसे बड़ी बात भाई सीनियर है मेरे, भाई भाई है दोनों भाई भाई। बहुत अच्छा लगा रिंकू भाई से मिलकर, बाकी आप देख सकते हो कि कैसी पर्सनालिटी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, आप देखो ना यार माशाल्लाह कितना ग्रेट भाग में यार। थैंक यू, यस गाइस। सो ये है हमारे वसीम भाई और ये है फकीरा सर, तो आ चुकी है अभी हमारे लिए अलीगढ़ की गर्मा गर्म चाय। रिंकू भाई आपको हमेशा सब जगह से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और अलीगढ़ आपका होम टाउन है, तो इस बार जब आप 5 छक्के मार के लौट कर आए हो आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छी फीलिंग है, जैसे मैं बताता हूँ सबको कि बहुत प्यार मिला है उन 5 छक्कों के बाद, मतलब एक लाइफ ही चेंज हो गया, मतलब इतने लोग जानते थे पहले जब वो लास्ट इनिंग खेली थी, तो इस साल काफ़ी बहुत सारी इनिंग खेली है तो लोग जानने लग गए, बहुत सारा प्यार मिला है। और मैंने और इंटरव्यू में मैंने बताया कि मतलब बहुत लोगों के बड़े बड़े लोगों के मैसेज आए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिल गया और मतलब अच्छा लग रहा है। भाई सच बता रहा हूँ, वो मैच आपका देख रहा था मैं, रोंगटे खड़े हो गए थे वो जब आपने 5 छक्के मारे थे, मतलब एकदम वो आपकी मेहनत निकल के आई है भाई उस वाले गेम में ना, सच में यार जो आपने एक अलग वो देखा है ना, मतलब कमाल कर दिया यार, के यार को पहचान दिया मैं तो ये कहूँगा भाई आपने यार, मतलब बहुत कुछ अलग हुआ है, मतलब बहुत अलग हुआ है यार, क्योंकि 5 छक्के लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए और 5 छक्के रेयर होता है, बहुत हाँ बहुत रेयर लोग करते हैं, मतलब ऊपर वाले बड़ा साथ दिया, लेकिन भाई आपकी मेहनत को याद आ दूंगा, मतलब हम तो भाई का नेट प्रैक्टिस भी देखते थे, भाई को नेट प्रैक्टिस भी कराते थे, भाई का जो लेवल होता था ना बैटिंग का यार, वो एक अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे होता था। लव यू भाई यार, लव यू भाई, मुझे लगता है आपको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। मैं व्लॉग बनाता हूं, दिखाऊंगा आपको। अच्छा सीरियसली? तो भाई अपना व्लॉग, तो भाई अपना व्लॉग दिखाने वाले हैं अभी, बड़ा मजे करते थे वहां पर। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ भाई के बोलने का जो तरीका है ना बिल्कुल व्लॉगर्स की तरह। क्या और एक और अरे भाई ये तो बिल्कुल अरे ये तो स्टोरी भी लगाई थी ना, अरे यार ये तो देखा था मैंने। सो भाई कब बना रहे हो अपना यूट्यूब चैनल? जरूर भाई, सुन रिंकू भाई जा रहे हैं बहुत ज़्यादा काम से और हम अपनी चाय ख़त्म करते हैं भाई। सो ये सारे लोग कम से कम 2 घंटे से वेट कर रहे थे भाई का बाहर खड़े होकर के, और अभी फिर हमसे मिलने के बाद जब वो बाहर आए रूम से तो सारे लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। फाइनली अभी हम मिले यार, और
मैं सच बता रहा हूँ, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है ना यार। एक वक्त से जब हम प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे, तब से भाई सीनियर है मेरे, तब से भाई इतना डाउन टू अर्थ बंदा, यकीन मानना। अभी भी भाई 2-3 भाई खड़े हुए थे वहाँ पर, कहते थे कि वो स्कूटी से गए अपनी, मतलब यहाँ से ग्राउंड से और घर पे स्कूटी से गए, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई है वाकई में यार। और ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है, मऊआ खेड़ा का है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हैं सारे, और इनके इनके घर पे तो परसों वो डिनर करने के लिए आए थे। और ये भाई की, इस भाई को भी इंशाल्लाह एक दिन आप इसी मुकाम पे देखोगे। सो फाइनली अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं हम। और भाई कैसा लगा आपको मुझसे मिलके? अरे बस भाई क्या बोले यार, आप तो किस्मत है मेरी कि मुझे आपसे मिलने का तजुर्बा वो मिला, आपसे तजुर्बा मुझे मिला। खैर उर्दू के लफ्ज बोले नहीं जा रहे, लेकिन बंदा बोलेगा जरूर। अटक रहे लफ्ज गले से निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। और अगर पसंद आया तो यार कमेंट्स करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बिल्कुल।